What's up YouTube? I am Shubham Chaudhary and I'm back with another video. Friends, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप टेनिस बॉल से यॉर्कर पे सिक्स कैसे मार सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही सिंपल टिप बताऊंगा। अगर आप यूज़ करोगे तो आप भी यॉर्कर बॉल पे सिक्स मार सकते हो और धीरे धीरे स्कोर तो कर ही पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती क्या करते हैं टेनिस में प्लेयर, जब वो बैटिंग करते हैं तो वो अपने स्टांस को ज़्यादा खोल के नहीं रखते। कुछ प्लेयर गलती करते हैं कि उनका जो स्टांस है ओपन स्टांस नहीं रहता। तो आपको जब भी यॉर्कर पे हिट करना है तो आपको अपना स्टांस खोल के रखना है, ताकि जो बॉल यॉर्कर होए उस पर आप बैट स्विंग पूरा कर सको। क्योंकि अगर आपका स्टांस ओपन नहीं होगा तो आप बैट स्विंग पूरा नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ क्या है, आप क्रीज का यूज़ नहीं करते। आपको क्या करना है, या तो आपको बिल्कुल क्रीज के अंदर खड़ा हो जाना है या फिर क्रीज के बाहर खड़ा हो जाना है। इससे क्या है, अगर आप बिल्कुल क्रीज के अंदर खड़े होगे तो जो बॉल बिल्कुल यॉर्कर होगी वो बिल्कुल हिटिंग रेंज पे हो जाएगी, तो आप आराम से हिट कर सकते हो। और अगर आप बाहर खड़े होगे तो जो बॉल यॉर्कर है वो फुल टॉस हो सकती है। तो अगर आप ये चीज़ ध्यान रखोगे तो आप यॉर्कर पे आराम से हिट कर सकते हो। फिर आप क्रीज का यूज़ नहीं करते। क्रीज का यूज़ कैसे, जब मैंने बताया अंदर खड़ा होना या बाहर खड़ा होना ऐसे भी, और आप मूव भी कर सकते हो। कभी कभी क्या है, आप लेग साइड में थोड़ा मूव हो जाओ या ऑफ साइड में थोड़ा, सॉरी कभी कभी या तो ऑफ साइड में मूव हो जाओ या फिर लेग साइड में मूव हो जाओ। इससे क्या है, आप आराम से आपको एरिया मिल जाएगा बैट स्विंग करने का। आपका बैट स्विंग जितना अच्छा होगा आप उतने अच्छे हिट मार पाओगे। तो बस यही है। और आपको इसकी क्या ड्रिल करनी है, आप इसकी थ्रो डाउन की से प्रैक्टिस कर सकते हो। थ्रो डाउन से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी हिटिंग अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है, आपको स्टांस के साथ साथ आपको अपनी ग्रिप पे भी ध्यान रखना है। आपको अपना बैट थोड़ा सा ऊपर से पकड़ना है, ताकि जब आप हिट करो तो आप पूरा बैट स्विंग कर सको। अगर नीचे से पकड़ोगे तो आप बैट को पूरा स्विंग नहीं कर पाओगे। अगर पूरा स्विंग नहीं होगा तो बॉल ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं होगी। तो जब भी आपको शॉट खेलना है तो बैट को थोड़ा ऊपर से होल्ड करना है, ताकि जो आपका बैट का स्विंग है वो पूरा कंप्लीट हो और आप अच्छा हिट मार पाओ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, सेम अकाउंट है शुभम क्रिकेट अकेडमी।